समझते हैं कि अपवर्त क्या होते हैं। चलिए उससे पहले क्या आप मुझे कुछ बताएंगे? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह आदि संख्याओं को हम क्या कहते हैं? क्या कहा आपने? बिल्कुल सही कहा, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, ये सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं। चलिए अब कुछ और देखते हैं कि अगर इन प्राकृतिक संख्याओं को हम दो से गुणा करें तो हमें क्या प्राप्त होता है। आइए देखें, एक गुणे दो बराबर दो, दो गुणे दो बराबर चार, तीन गुणे दो बराबर छः, चार गुणे दो बराबर आठ और पांच गुणे दो बराबर दस। इसी तरह से हम और भी संख्याएं प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए अब हमें इससे कौन कौन सी संख्याएं प्राप्त हुई, दो, चार, छः, आठ और दस। ये सभी संख्याएं दो से पूर्णतया विभाज्य हैं, अतः ये दो के अपवर्त हुए। क्या कहा आपने? प्राकृतिक संख्याओं के अपवर्त। बिल्कुल सही कहा, प्राकृतिक संख्या के अपवर्त वो प्राकृतिक संख्याएं हैं जो उससे पूर्णतः विभाज्य होती हैं। इस तरह से दो, चार, छः, आठ और दस ये सभी दो के अपवर्त हुए। देखिए प्राकृतिक संख्या के अपवर्त वो प्राकृतिक संख्याएं हैं जो उससे पूर्णतः विभाजित होती हैं। यहां पर देखिए दो, चार, छः, आठ और दस ये सभी संख्याएं दो से पूर्णतया विभाजित हैं, इसलिए ये सभी दो के अपवर्त हुए। समझ में आया आपके? चलिए क्या कह रहे हैं आप? तीन के अपवर्त, तीन के अपवर्त क्यों नहीं, बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखें, देखिए एक गुणे तीन बराबर तीन, दो गुणे तीन बराबर छः, तीन गुणे तीन बराबर नौ और चार गुणे तीन बराबर, जी हां, बारह। देखिए इस तरह से हम तीन के और भी बहुत सारे अपवर्त ज्ञात कर सकते हैं। क्या आप ये बता सकते हैं कि तीन, छः, नौ और बारह तीन से विभाज्य हैं? जी हां, बिल्कुल सही कह रहे हैं, तीन, छः, नौ और बारह तीन से पूर्णतया विभाज्य हैं, इसलिए ये सभी तीन के अपवर्त हुए। चलिए अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मेरा क्या एक सवाल हल कर सकते हैं, तो क्या जवाब होगा आपका? करेंगे तो चलिए आप ये बताइए कि छः के कौन कौन से अपवर्त होते हैं, वो भी तीस से कम। चलिए देखिए, छः गुणे एक बराबर छः, छः गुणे दो बराबर बारह, छः गुणे तीन बराबर अठारह, छः गुणे चार बराबर चौबीस और छः गुणे पांच बराबर तीस, छः गुणे छः बराबर छत्तीस।
क्या आपने क्या कहा? मैंने 30 से कम पूछे थे। जी ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। इस तरह से 6 के अपवर्त्य हुए 6, 12, 18, 24 और 30। मैंने आपसे पूछा था 30 से कम, इसलिए 6, 24, 6, 12, 18 और 24 और 30, ये सभी 6 के अपवर्त्य हुए। 36 को यहां पर हम इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि जो मैंने सवाल आपसे पूछा था वो ये पूछा था कि 30 से कम, इसलिए हमारे 6 के अपवर्त्य 6, 12, 18, 24 और 30। चलिए अब अगर मैं आपसे फिर से पूछूं कि अपवर्त्य किन्हें कहते हैं तो आप जवाब देंगे? जी हां, कहिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्राकृतिक संख्या के अपवर्त्य वो प्राकृतिक संख्याएं हैं जो उससे पूर्णतः विभाजित होती हैं। चलिए अब अगर आप, चलिए आप ही बताइए ऐसे ही कि 7 के अपवर्त्य कौन कौन से हैं, बताइए। क्या कहा? 7, 14, 21 और 28। जी हां, इसी तरह से 7 के भी बहुत सारे अपवर्त्य हो जाएंगे। तो इस तरह से आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा? प्राकृतिक संख्याएं। जी हां, प्राकृतिक संख्याएं जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आदि, और अपवर्त्य यानी कि वो प्राकृतिक संख्याएं जो उस प्राकृतिक संख्या से पूर्णतया विभाज्य हो।